बता दें, रीवा दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा एक्शन सामने आया है। समाधान ऑनलाइन में शिकायत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्शन देखा गया। रीवा सीधी सिंगरौली में अफसरों की मनमानी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा एक्शन लिया है। तहसीलदार प्राचार्य बीएमओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई है। रीवा के पैपखरा में नल जल योजना बंद होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही सीधी में मुख्यमंत्री कन्या योजना का लाभ नहीं मिलने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, सीएम लगातार दौरे पर हैं, हर एक जिले का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहीं ना कहीं सख्त तेवर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अलीशा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर जितने भी हम कह सकते हैं जनता में जितनी भी परेशानियां रहती हैं, जितनी भी समस्याएं रहती हैं, उनका हमेशा समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और समस्या समाधान ऑनलाइन करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर हफ्ते समीक्षा करते हैं ऐसी समस्याओं की जो कि पूरी नहीं हो पा रही हैं और जनता द्वारा सीएम हेल्पलाइन में आई हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल रूप से जनता की समस्या का समाधान तो किया ही, लेकिन इस दौरान उनका एक्शन मोड भी देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक पटवारी को निलंबित किया है, एक शिक्षक को देखिए जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, प्राध्यापक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, साथ ही दो सब इंजीनियर पर भी यहाँ पर कार्रवाई करते हुए उन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कल समस्या समाधान ऑनलाइन कर रहे थे, तब उनके सामने कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई कि कन्या विवाह योजना की राशि अभी तक नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि उनके जो है पट्टे का निर्धारण हुआ था, उनकी राशि उनके पास अब तक नहीं पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, नल जल योजना की बात करें, ठीक से अभी तक जो है नलों का वहां पर स्थापन नहीं हुआ है। और यही समस्याओं को लेकर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखा कि अधिकारी या कर्मचारियों ने ढिलाई के साथ काम किया है, तो मुख्यमंत्री ने यहां पर सख्त रुख अपनाते हुए इन सभी को तत्काल रूप से कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ कुछ लोगों को यहां पर निलंबित भी किया है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यहां पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जनता से जुड़ी जो भी परेशानी समाधान करने में अगर कोई भी अफसर या कर्मचारी ढिलाई बरत रहा है, उन्हें तत्काल रूप से उन पर कार्रवाई की जाए, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, साथ ही उनको सस्पेंड भी किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा रुख अपनाते हुए कहा है कि जनता कोई भी परेशान नहीं होनी चाहिए। जनता को अगर परेशानी हो रही है, इसके पीछे जिसका भी हाथ रहेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जब हम मॉर्निंग बैठक देखते थे, तब उसमें हमने देखा था कि कई लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया था, कई लोगों को उन्होंने देखिए वहां पर निलंबित किया था, नोटिस भी जारी हुआ था। और अब ऐसे ही जब खुद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बैठे, जिसने भी ढिलाई बरती, जिसकी भी लापरवाही सामने आई, यहां पर मुख्यमंत्री ने सीधा उनको निलंबित किया है। और आगे आने वाले समय में भी प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री इसी तरह चिंतित रहने वाले हैं और इसी तरह जो बड़ी कार्रवाई देखने को आगे भी मिल सकती है। मितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट्स ली जाएंगी।